भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 1.5 करोड़ की लागत में हो रही विभिन्न कार्यों में अनियमितता। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 1.5 करोड़ की लागत में बन रही विभिन्न कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी का गुस्सा आज सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में स्थानीय राजनेताओं, स्थानीय लोगों और कुछ पत्रकारों द्वारा रुकावट डालने की बात कही। आयुक्त ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में विकास कार्य करवाने की लगातार मांग हो रही थी। इसके पश्चात सैंडिस कंपाउंड में करीब 1.5 करोड़ की लागत में कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय राजनेता और पत्रकार के अलावा कई लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी दौरान प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने कहा कि अभी तक कुल काम का 7 से 8% ही काम हुआ है, लेकिन ऐसे विकास विरोधी लोगों के करतूतों के कारण काम में तेजी नहीं आ पा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी कई और विकास कार्य होना बाकी है। उन्होंने कहा कि रिक्शा डीह में बस पड़ाव के लिए स्थान का चयन हो गया है, जबकि पथ निर्माण विभाग की इस मामले में अनुमति बाकी है। आयुक्त की माने तो 5 स्थानों पर ऑटो पड़ाव, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और स्मार्ट सड़क स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाने की सहमति मन। साथ ही आयुक्त ने कहा कि उनके आने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों में काफी तेजी हुई है, यहां तक कि ऑडिट भी अपडेट नहीं था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही ऑडिट भी करवा लिया। इन परियोजनाओं का या जो भी आपने फाइनल आपको लुक देना है, किस तरह का लुक आएगा, क्या स्ट्रक्चर है, ड्राइंग क्या रहेगी, ये सब चीज के लिए एक फोरम बना हुआ है। फोरम बना हुआ है, उसका नाम है CLAF, व्हाट इज द फुल फॉर्म, सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम। इसके मेंबर हैं, कौन मेंबर हैं, सारे MLA MP भागलपुर के, और इसकी बैठक होनी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस कंपलसरी बैठक को ऑर्गेनाइज होता है, उसमें MLA कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, MP MLA इसमें मेंबर हैं, और ये लोग आते हैं और उसके बाद उनके समक्ष ड्राइंग्स का पूरा प्रेजेंटेशन किया जाता है हम लोगों के PDMC के द्वारा। जब CLF में ये सब पास हो जाता है तब मामला आगे बढ़ता है, नहीं तो उनके सुझाव जो होते हैं वो लिए जाते हैं, उसमें इंकॉर्पोरेट करके और फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो हम लोगों के लिए जो पब्लिक हुआ, गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए, और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747।